में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए देखे, सब्सक्राइब का लाल बटन बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। आज का जो स्टॉक है आंध्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, सेक्टर है केमिकल्स का, 54 रुपये 65 पैसे के भाव पर ट्रेड हो रहा है BSE पे 7 जून 2019, और समय हो चुका है 12:27। साल का जो लो था 43 रुपये था और हाई था 99 रुपये 40 पैसे, यानी 100 रुपये करीब, और अपने प्राइस से हाई से 54 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि 50% के आसपास गिरावट पे। मार्केट कैपिटल है 464 करोड़, EPS अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 22 पैसे, पी रेशियो है 6.65 जबकि इंडस्ट्री पी है 7.46 के। डिलीवरीज की ज़बरदस्त दिखाई दे रही है यहाँ पे 85.36, और फेस वैल्यू इसकी 10 की अभी भी है। ऑफकोर्स डिविडेंड मुझे लगता है लंबे समय से नहीं दिया था, एक लंबे गैप के बाद दिया, तो अभी हम दिखाएंगे आपको डिविडेंड के बारे में भी। फिर प्राइस टू बुक है 2.05। आइए हम पहले डिविडेंड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2012 में इसने लास्ट दिया था, उसके बाद 2019 में अभी ये 28-27 मई को अनाउंसमेंट किया था, और इफ़ेक्टिव डेट है 28 जून, यानी के आसपास मिल जाएगा आप लोगों को डिविडेंड। अगर 50 पैसे और 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी 1.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से आप लोगों को डिविडेंड मिलेगा, जो भी इन्होंने इसमें स्टॉक्स ले रखे हैं एग्जिस्टिंग, जिसके पास शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो बढ़िया डिविडेंड पे कर रहा है ये बहुत दिनों के बाद, तो चलिए अच्छी बात है। अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, जबकि अपने केमिकल सेक्टर में ये नंबर वन कंपनी है, उसके बाद फिर मनाली पेट्रोकेमिकल्स जो कि वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पे शो हो रही है एज़ पर इनका प्राइस टू अर्निंग, और ROCE है इसकी 46%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 30.83% के आसपास है। रिजल्ट्स हम देखते हैं कैसे रहे इनके रिजल्ट्स। अगर हम देखते हैं December 2018 से March 2019 यानी Q4 के, तो नेट सेल्स में यहाँ पे जहाँ December 2018 में 171 करोड़ की थी, वहीं रह गई March 2019 में 158 करोड़ की, जो कि 7.09% के आसपास के गिरावट है, डाउन साइड है। और नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त है, जो कि December 2018 में थी 9.99 करोड़, वहीं हो गई March 2019 में 13.84 करोड़ की, जो कि 38.56% की अपसाइड है। और OPM जहाँ 10.92% थी, वही March 2019 में हो गई 15.63%, जो कि यहाँ पे 4.71% की अपसाइड है। प्रमोटर्स की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, FIIs 4 हैं इसमें, और म्यूचुअल फंड्स की 4 स्कीम्स ने पैसे लगा रखे हैं, और बाकी तो इंडिविजुअल ज़बरदस्त हैं 48.06% के आसपास है। ये कंपनी करती क्या है मैं बता दूं, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनी है, और आंध्रा पेट्रोकेमिकल लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ ऑक्सो अल्कोहल्स। द ऑक्सो अल्कोहल्स प्रोडक्ट्स आर एथेनॉल, हेक्सानॉल, नॉर्मल ब्यूटेनॉल एंड आइसोब्यूटेनॉल। फॉलोइंग आर द फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द कंपनी स्टोरेज फॉर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स, स्टीम जनरेशन, डीजल पावर जनरेशन, सी वाटर कूलिंग टावर, रॉ वाटर स्टोरेज, आंध्रा पेट्रो गैस पावर, फायर एंड फोम, टेंडर एंड ग्रीन बेल्ट। हम इनकी वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे, और यहाँ पे देखते हैं जहाँ पर अबाउट अस में, तो आंध्रा पेट्रोकेमिकल वॉज प्रमोटेड बाय द आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, द आंध्रा शुगर्स लिमिटेड इन 1984 एज ज्वाइंट सेक्टर कंपनी। सब्सिक्वेंटली द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी हैज चेंज इन टू एन असाइंड सेक्टर कंपनी विद आंध्रा शुगर लिमिटेड बींग द मेजर शेयर होल्डर, है ना। तो आप भी इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, पूरी डिटेल्स है जिनको इस सेक्टर में लगाव है, जो इस सेक्टर में या इस प्रोडक्ट में केमिकल की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये फिलहाल इनके रिजल्ट्स, ऑफकोर्स क्वार्टर के अच्छे आए हैं, और हम ईयर ऑन ईयर भी देख लें, ईयर ऑन ईयर हम अगर देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर भी देखिए ज़बरदस्त है। March 2018 से March 2019 पे अगर हम कंपेयर करें 39.74% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 125% की अपसाइड है, और नेट प्रॉफिट में भी 145% की ज़बरदस्त अपसाइड है, और OPM में भी यहाँ करीब करीब 6% के आसपास की अपसाइड है। इसीलिए इन्होंने डिविडेंड पे किया है, इनको काफ़ी लाभ हुआ है, और अच्छी बात है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं। दोस्तों
और इसके फाइनेंशियल ट्रेंड अभी फ्लैट है, तो इस लिहाज से अभी मैं इस कंपनी में यही कहूँगा कि जो लोग इसमें ले रखे हैं वो बने रहें, और नई बाइंग के लिए भी चाहे तो अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, और 10 सालों में जो रिटर्न थे 203% के आसपास, लेकिन 5 सालों में 389 यानी 380% के आसपास है, ज़बरदस्त रिटर्न है। 4 सालों में भी करीब करीब 378% के आसपास का रिटर्न है, 3 सालों में 300%, 2 सालों में 104, ज़बरदस्त। 1 साल में यहाँ 15% यानी 16.5% के आसपास है। ईयर टिल डेट में यहाँ करीब 5% के आसपास नेगेटिव में रिटर्न है, लेकिन 6 मंथ में 6.33% की अपसाइड है, 3 मंथ्स में अगेन नेगेटिव है 6.5% के आसपास, 1 मंथ में 4.5% की अपसाइड है, 1 वीक में भी नेगेटिव है 5.5% के आसपास, लेकिन आज भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। तो इनके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं और मुझे लगता है कि कंपनी डिविडेंड देना फिर से शुरू कर दिया है, तो एक केमिकल की अच्छी कंपनी है और इसमें आप बने रह सकते हैं। फिर भी कोई स्टॉक लेने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मशवरा कर लें। मेरा काम था दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देना, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एक बढ़िया कंपनी, लेकिन जिस हिसाब से ये लो पे पहुंची थी 40 रुपये के आसपास और हाई बनाया था 100 रुपये और आज 54 रुपये पर ट्रेड करा, थोड़ा सा माइक्रो कैप कंपनियों में ज़्यादा वोलाटाइल होती हैं, काफ़ी उतार चढ़ाव इनमें देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तभी इसमें हाथ डालें, और शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया और वो अचानक किसी कारणवश गिरावट में या बाज़ार में कुछ ज़्यादा बिकवाली के दबाव में अगर प्रेशर आता है तो घबराने का नहीं, उसमें अगर आपने दृढ़ विश्वास के साथ लिया है तो उसमें बने रहें कुछ दिनों के लिए। तो चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।